परिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने चार शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन की का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी कल स्टडी की जाएगी, उसके बाद डीपीआर बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन चारों शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरंभ किया जाएगा। तो चार शहर हैं, चार महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है और उसके बाद इन चारों शहर की फिजिबिलिटी के बाद फिर डीपीआर बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60, तो यही व्यवस्था रहती है। और इन चार शहर है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा ये खेल, आपको याद होगा खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं, मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मुख्य जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, यूजली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाइंग पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसका मेन्स एग्जाम जो यूजली है वो पटना के इर्द गिर्द किया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पर कंट्रोल रहता है और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं। तो ये दो परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं दो चरणों में ली जा सकती हैं और दूसरा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। दो मेन इसमें परिवर्तन किए गए। अभी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी मतलब जो जितने कमीशन है अभी ऑनलाइन भी ले सकेंगे। ये अभी कमीशन पर निर्भर है कि प्रक्रिया क्या है और विभाग से संपर्क भी करेंगे, ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती हैं नहीं ली जा सकती हैं। तो
हाँ मतलब ये आयोग पे निर्भर है ना, अप्रैल आयोग ही पर निर्भर है, आयोग ही निर्णय लेगी। बट ये इनेबलिंग क्लॉज है कि परीक्षाएं दो चरण में ली जा सकती हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। बीपीएससी में तो होता ही है प्रिलिमिनरी और मेंस, बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षाएं हैं, और अब संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं जिले के कहीं पता नहीं कौन अनुमंडल में स्कूल में परीक्षा रहा है। तो पहले एक बार प्रिलिमिनरी होगा, उसके बाद मेंस होगा। मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया था है कि जो डीजल अनुदान है इसके भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 150 करोड़ की लागत पर डीजल अनुदान योजना लाया गया है, जिसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु दिया जाएगा। इसमें धान है, मक्का है, जूट है, दलहन है, तेलन है, मौसमी सब्जी है, औषधीय और सुगंधित पौधा। और डीजल अनुदान का रेट भी मैं बता देता हूँ, आप लोग पूछ नहीं रहे ना, फिर भी मैं बता रहा हूँ। यह है 75 रुपये प्रति लीटर होता है, और एक एकड़ में 10 लीटर का प्रावधान है, तो 750 हो गया। 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया में दिया जाएगा, बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई और फसल के लिए 3 सिंचाई, मैक्सिमम दोनों मिला के 5 हो गया। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने। 75 रुपये है प्रति लीटर, 8 एकड़ प्रति एकड़, 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया है और 1 एकड़ में 10 लीटर। राज्य सरकार ने यह गरीबों के लिए 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत बहुमंजिली आवासन योजना स्वीकृत करने बनाने का निर्णय लिया है, और वर्तमान में बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर पीपीपी मोड, जन निजी भागीदारी पीपीपी मोड में 750 परिवारों के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित, जो ये जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है उसमें पीपीपी मोड में बनाया जाएगा, जिसमें एक डेवलपर आइडेंटिफाई होगा, वो गरीबों के लिए आवास बनाएगा और कुछ जमीन पर वे अपने आवास बनाएंगे। ये पीपीपी मोड पे है और ये सभी कार्रवाई आईडीए के सहमति से, जो भी बिडिंग होगी, जो भी एजेंसी का चयन होगा, ये सब आईडीए के सहमति से होगा। और जो शहरी जो बस्तियों में रहते हैं, फुटपाथ पे या नालों के किनारे, नहरों के किनारे, उन्हें ये घर आवंटित होगा। उपखाद एवं भुक्तक संरक्षण विभाग में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व से भी निर्णय लिया है। पहले मेफेड करता था, मेफेड बाइंड का हुआ था, अब कैबिनेट ने इसको एनसीसीएफ को भी ऑथराइज कर दिया है कि चना और मसूर के आदि प्राप्ति के लिए उनको भी नोडल बनाया जाए। लघु जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु 35,000 नीली नलकूप के अधिस्थापन हेतु निर्णय लिया गया, इसकी कुल राशि है 266 करोड़। तो जो नलकूप है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, पहले 30,000 था, बढ़ाकर 35,000 हो गया है, और इसीलिए एस्टीमेट भी 266 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो 0.4 एकड़ भूमि वाले किसान मिलने में मुश्किल था, अब यह है कि जो इच्छुक किसान है, अगर उनके कमान क्षेत्र में योग्य भूमि होगी तो उनको भी इसके लिए चिन्हित किया जाएगा और उनको भी लाभ दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है, मतलब अगर उसके यहां कमांड एरिया में अगर यह जमीन होगी, मतलब जैसे किसान हो और अगल बगल बहुत सारी जमीनें हैं तो उसको भी दिया जाएगा। 0.4 एकड़ से भी अगर कम होगा, उसका अपना कम होगा, बट कमांड एरिया में बहुत सारे किसानों की भूमि होगी तो उसको दिया जाएगा। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो सिंचाई योजना है उसको कार्यान्वयन और उसको मॉनिटरिंग के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए कुछ पर्यवेक्षक लिए गए थे, उसी तर्ज पर अब लघु जल संसाधन विभाग भी इंजीनियर का सुपरवाइजर देगा।
वित्त विभाग में जो जीपीएफ का लिमिट, दो कैबिनेट नोट है वित्त विभाग के, एक है जो जीपीएफ का आपको याद होगा कि 5 लाख का लिमिट निर्धारित किया गया था, अपर लिमिट। अब यह है कि अगर 22-23 में किसी ने, क्योंकि ये निर्णय दिसंबर 22-23 में हुआ था, अगर 22-23 में 5 लाख से ऊपर किसी ने जमा कर दिया है तो उसको भी सूद की राशि दी जाएगी 5 लाख से ऊपर की। लेकिन 23-24 में अगर किसी ने इस रूल को वायलेट करके 5 लाख से ऊपर ये जमा कर दिया है तो वो राशि जो है, जो इतना राशि 5 लाख से ऊपर है, उसको वापस बिना सूद के कर दी जाएगी। साथ ही साथ इस वर्ष का यह नियम है कि जो लिमिट है, यह भी लिमिट है जीपीएफ में कि 6% मिनिमम 6% आपको जीपीएफ में कटौती होनी चाहिए। लेकिन जीपीएफ अगर 6% भी 5 लाख से ऊपर अगर हो जाता है लिमिट, तो ये 6% का भी लिमिट शिथिल किया जाए। तो ये दो कैबिनेट नोट है, ये वित्त विभाग का कैबिनेट नोट है, जीपीएफ के अपर लिमिट का, और दूसरा है जो लोअर लिमिट है, तो वो जो 6% का लिमिट है उसको भी शिथिल कर दिया। 5 लाख की है, क्योंकि अगर 5 लाख अगर आपको 6% से नीचे हो जाएगा तो वो लिमिट भी शिथिल होगी। राज्य सरकार में जो नियमित कर्मी हैं, उनको चिकित्सा और उनके आश्रित हैं, उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाती थी, पहले उनके जो पावर्स हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं कि किस स्तर पर वो काउंटर साइन होंगे और अप्रूव होंगे। 1 लाख तक सिविल सर्जन को दिया गया है, 1 लाख से 10 लाख तक जो प्रशासनिक विभाग उसको है, और 10 लाख से ऊपर है जो है आपका ये वित्त विभाग है। तो ये पावर्स चेंज हो गए, पहले 50,000 था लोएस्ट सिविल सर्जन का, उसको 1 लाख हो गया, 1 लाख से 10,000 है, 10 लाख हो गया ये प्रशासनिक विभाग, और 10 लाख से ऊपर हो गया है वित्त विभाग। खेल विभाग में 98 पद, जो नया डिपार्टमेंट बना है उसमें 98 पदों का सृजन हुआ, तो 98 क्योंकि नया डिपार्टमेंट है इसमें पद सृजन नहीं हुआ था, तो 98 पदों का सृजन हुआ है। बिहार उच्च न्याय सेवा में 140 पद है, ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे, ये एडीजी स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के हैं, सेशन जज के हैं, तो ये 140 पद जो है ये परमानेंटली अब गठन हो गए। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृत हुआ है। इसे बेसिकली है कि जो आपका कंफर्मेशन है उसके प्रावधान में संशोधन हुआ है, यदि नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ये आपका कंफर्मेशन होगा, अगर 1 साल में भी आपका संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और अगर उसके बाद संतोषजनक नहीं रहेगा तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली है, ये जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उसका जो सर्विस रूल्स हैं, अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ये ट्रांसफर का, ये इसके बारे में हुआ है निर्णय। इसे मूल रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो जैसे पटना है, पटना के जैसे है, एज द कन्वेनर ऑफ द सेंट्रलाइज कमेटी एक्स ऑफिसियो सेल मेंबर ऑफ द सेट कमेटी इन एडिशन टू चेयरपर्सन ऑफ ईच जोनल सिलेक्शन कमेटी। तो बेसिकली कौन चेयरमैन रहेंगे और क्या कमेटी रहेगी, इसी पर इन्होंने संशोधन किया, और क्या सेंट्रलाइज कमेटी होगी इसका भी उन्होंने विस्तृत से जानकारी दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 46, उसमें कंप्यूटर है, मशीन है, उपस्कर है इत्यादि के लिए 80 करोड़ का जो योजना है उससे सैंक्शन हुआ है। इसी तर्ज पर 38 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 68 करोड़ 54 लाख का फर्नीचर, कंप्यूटर, उपस्कर, ये सब मशीन है क्रय करने का निर्णय लिया है। 38 श्रम संसाधन विभाग में 285 पद हैं, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक हैं और उच्च वर्गीय लिपिक हैं, केवल इनका कार्यालय मतलब इंटर कार्यालय इनका पद सृजन अमेंड किया गया। ये मुजफ्फरपुर थर्मल पावर, ये ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो एनटीपीसी में मुजफ्फर थर्मल पावर में के जो कर्मी हैं, वो रिटायर्ड कर्मी आपके एनटीपीसी में उन्होंने योगदान दिया है, तो उन्हीं के पेंशन लायबिलिटी भुगतान हेतु ट्रस्ट का गठन किया जाना था। इसमें जो वित्तीय बोर्ड का जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उसी के माध्यम से ये रिटायर्ड ड्यूज दिया जाएगा, यही निर्णय दिया गया।
ये अधिप्राप्ति का था, जो आपका खरीफ और रबी का अधिप्राप्ति है, इसमें 12,000 करोड़ का ऋण लिया जाना है। इसमें गवर्नमेंट गारंटी राज्य सरकार ने दिया है, ये विभिन्न बैंक से लिया जाएगा। ये 12,000 करोड़ का ऋण, ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का 2 पद है, इसमें चीफ मुख्य उड़ान परीक्षक है और डिप्टी उड़ान उप मुख्य उड़ान परीक्षक है। ये चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। तो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 5,50,000 रूपये दिया जाएगा महीने का मानदेय, और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 4 लाख दिया जाएगा। और यह जो इनके जो क्वालिफिकेशन हो डीजीसीए के मापदंड अनुसार होते हैं, और ये दो बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुमोटो कांग्रेस के बाद जो अनुबंध में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में जो निबंधक हैं उसके 20 पद के सृजन की स्वीकृति दी है। तो यही आपके 22 एजेंडा है जिस पर निर्णय लिया है। किसी को कुछ पूछना हो किसी एजेंडा के बारे में? सर मानसून से कौन सा ये तो निर्णय वहां में राज्यपाल और असेंबली को लेना है। जो बनाएंगे आप लोग मेट्रो का, ये इसका क्या आउटले कुछ फिक्स हुआ है? अभी केवल फिजिबिलिटी पहले इसका देखा जाएगा, उसके बाद फिजिबिलिटी जब हो जाएगी इसका फिर डीपीआर बनाया जाएगा। डीपीआर एजेंसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या बोरो फ्रॉम, इसमें नियम यह है कि 20% भारत सरकार देती है इक्विटी में, 27% इक्विटी में राज्य सरकार देती है जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनता है। जैसे भागलपुर होगा तो भागलपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनेगा, तो उसमें इक्विटी में 20% उनको, मतलब 20% कंट्रीब्यूशन जो होता है 50-50 रहता है, तो भारत सरकार और बिहार सरकार का रहता है। और जो लोन अमाउंट है, जैसे पटना मेट्रो रेल में जायका ने दिया, तो पटना मेट्रो रेल जायका ने हम लोग को लोन दिया है, उसी तरह उस वक्त अपना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक होगा, जायका होगा, डेवलपमेंट बैंक होगा, जो भी बैंक होगा अपना लोन देगा। सर ये लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट या जो भी है इसका कोई डेडलाइन फिक्स हुआ है कि भाई दिस पर्टिकुलर टाइम इट विल बी कम्प्लीटेड? कैबिनेट के निर्णय में ये लिखा नहीं है, कैबिनेट निर्णय बड़ी सीमित है कि चार शहरों में मेट्रो का निर्माण था सैद्धांतिक समिति। अच्छा सर ये जो पंचायत में जो स्पोर्ट्स क्लब की कुछ ऐसा है कि कितने, मतलब एक डेटा तो होगा ना कि कहां कितने हैं और कितने खोलने होंगे? देखिए सब एक रूपता रहेगी इसमें, मतलब पुराने क्लब क्या है पता नहीं, बट ये है कि जितने भी पंचायत हैं उसको एक रूपता में एक प्रकार रहेगा, क्लब का अध्यक्ष होगा, सेक्रेटरी होगा, मेंबर होंगे, और एक रूपता रहेगी उस क्लब के गठन। तो वो बाद में गाइडलाइंस तो जाएंगे, बट निर्णय हुआ कि क्लब रहेगा और उसमें जो बच्चे खेलते हैं वही मेंबर रहेंगे उसके। जैसे क्लब रहता है मतलब उसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, कुछ भी खेलेंगे। और राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार किसको पैसा देगी? अनलेस एंड यू हैव अ बॉडी, अगर स्पोर्ट्स बॉडी होती है उसको पैसा देंगे राज्य सरकार द्वारा माने। सपोज क्रिकेट का क्लब है यहाँ पे, मतलब स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो अपना बैट बॉल ये सब के लिए पैसा देंगे। दो डिसीजन है, दोनों मिक्स मत करिए। एक डिसीजन है जमीन का और एक डिसीजन है क्लब का। क्लब में है कि एक रजिस्टर्ड क्लब होगी जो राज्य सरकार रजिस्टर करेगी, ये क्लब है, इसका अध्यक्ष है, ये सचिव है और ये लोग अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस पंचायत में चलाएंगे। दूसरा है पंचायत में स्पोर्ट्स की जमीन का, मतलब जो मतलब आपका स्टेडियम है, जो भी खेल मैदान है, उस खेल मैदान अगर होगा पंचायत में कोई सरकारी भूमि होगी तो चिन्हित कर दिया जाएगा भाई यही खेल मैदान है, अगर नहीं है तो फिर एक्वायर किया जाएगा। लेकिन खेलते ही है ना, जब गांव जाते हैं तो लोग खेलते ही हैं कोई मैदान में, कोई सरकारी मैदान हो तो उसको चिन्हित कर दिया जाएगा अगर नहीं है। क्योंकि ये मांग बार बार हम लोग जब गए थे विभिन्न यात्रा में, समाधान यात्रा, लास्ट जो यात्रा हुई थी उसमें लोगों ने खेल मैदान मांगा था, जब यह है कि खेल मैदान हमको चाहिए करके जितने युवा है उन लोगों की डिमांड थी। उसी के आलोक में देखिएगा आप, स्पोर्ट्स मंत्रालय बना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, स्पोर्ट्स के पद इस बार सैंक्शन हुए हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनेगा और स्पोर्ट्स की जमीन चिन्हित होगी। कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी सर? हाँ कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी?
क्या भाई, खेल मैदान के लिए फुटबॉल का जितना जमीन है, फुटबॉल कोर्ट और क्या, फुटबॉल कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना, उसके नीचे हॉकी होता है, क्रिकेट भी उसी के अनुपात में होता है। सर ये कुछ आइडिया लग पाएगा क्या कि कितनी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत है नंबर? ये तो मिल जाएगा वेबसाइट पे भी, इसमें की खोलने हैं आपको पंचायत सारे सब में खोलने हैं ऑल। अब नगर विकास विभाग के साइट पे चली जाइए, पूरी लिस्ट है नगर पंचायतों की, और अगर पंचायती राज विभाग में जाइएगा तो आपको पूरे पंचायत की लिस्ट है।